हेलो और खुशामदीद एक और पुरमसा किस्त हीलिंग टू द नेशंस में। मेरे लिए नहायत एजाज़ की बात है कि आज मेरे मेहमान दो खादिम हैं जो रोमानिया से आए हैं। वो यहाँ बड़े तवक्कुआत के साथ आए हैं, वो कलाम के भूखे और सैर होने आए हैं, वो मौजज़ात की गवाही देने और शराकत के लिए आए हैं ताकि वो मसीह के जलाल को पाएँ और इसमें बढ़ते चले जाएँ। वो अपने मुल्क रोमानिया के लिए पुरजोश हैं और उन्होंने बहुत कुछ पाया है। मुझे यकीन है कि आप उनकी गवाहियां सुनना चाहेंगे जो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक हमारे साथ रहें। We'll be right back। हेलो, मेरा नाम जेसन है और मैं नीदरलैंड का रहने वाला हूं। आप देख रहे हैं हीलिंग टू नेशंस। स्टे ट्यून्ड, We'll be right back। हीलिंग टू द नेशंस में दोबारा खुश आमदीद। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे साथ दो बहुत ही अहम खादिम हैं जो आए हैं रोमानिया से। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome। ब्राय करम नाजरीन को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम जॉर्ज है, मैं रोमानिया से हूँ। मेरा तलक बर्निंग बुश चर्च रोमानिया से है, जो कि जिप्सी चर्च है। हमारे चर्च में 5,000 लोग हैं और खुदा वहाँ हैरान कुन काम कर रहा है। रोमानिया हैरत अंगेज मुल्क है, लेकिन हम धर्म में फंस के रह गए हैं, लेकिन खुदा ने हमें आज़ाद किया है। हमें उसने इससे आज़ादी दी है। अब हम बहुत बाबरकत हैं। प्रेज द लॉर्ड। जॉर्ज, आपका शुक्रिया। मेरे लिए आजाज की बात। प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम एडलिना है, मेरा ताल्लुक रोमानिया से है और मैं रिवर ऑफ रिवाइवल चर्च से हूँ। मेरे लिए बहुत एहसास की बात है यहाँ आना। आप हैरत अंगेज लोग। आपने पास्टर क्रिस की मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना? मेरे पास्टर यहाँ आए थे हीलिंग स्कूल में एक कॉन्फ्रेंस में, और वो लाए खुदा का कलाम, और हम कलाम के बहुत भूखे थे और ये कवि था, और ये हमारी जिंदगियों में कुछ नया लाया। और मैंने पास्टर क्रिस को सुना और उनको इंटरनेट पे देखा। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगी। अब आपने अपनी पहली मीटिंग जो पास्टर क्रिस के साथ अटेंड की वो हीलिंग सर्विस थी, इसके बारे में बताएं और अपने ऑडिटोरियम में दाखले के बारे में भी बताएं। वाओ, जब हम अंदर जा रहे थे तो ये हैरान कुन था, बहुत हैरान कुन। हमने मसीह की हजूरी को महसूस किया वहाँ, और गैर जबानों में दुआ तो हैरान कुन थी। मैंने वहाँ बहुत से खादमीन को दुआ करते देखा, हैरान कुन। ये तो मेरा ख्वाब था, मेरा ख्वाब ये लम्हा था। बहुत देर से मैंने पास्टर क्रिस के बारे में कुछ साल पहले सुना, और मैंने उनकी एक वीडियो इंटरनेट पर देखी, और देखते ही मैं रोने लगा। और मैंने कहा, खुदावंद, ये मेरा ख्वाब है कि मैं अफ्रीका में जाऊं। और कोई 2 माह पहले मुझे ये नबूवत मिली कि खुदा मेरा ख्वाब पूरा करने जा रहा है, और ये सच हुआ। इस वजह से मैं यहाँ हूँ। ये हैरान कुन है हीलिंग स्कूल में आना, हैरान कुन। कुछ ऐसा हुआ कि खुदावन मेरा ख्वाब पूरा हो गया। वाओ, सच है, हैरान कुन है। आपने लोगों की कुछ गवाहियां सुनी जिन्होंने शिफा पाई थी हीलिंग स्कूल में पिछले सालों में, ये आपके लिए कैसा था? ये बहुत ही दिलचस्प था टेस्टमनीज को, गवाहियों को बड़ी स्क्रीन पर देखना, और जो लोग वहाँ पर थे खुशी से भरपूर, जिंदगी से भरपूर और मसीह में भरपूर। आप उनमें मसीह को देख सकते थे, आप उनमें बहाली को देख सकते थे। एक छोटी सी बच्ची जिसको दिल की बीमारी थी, उसको शफा पाते देखना बहुत ही तकवियत बख्श था। मैं सोच रही थी कि खुदा ऐसा रोमानिया में भी करे, मैं भी आना चाहती हूँ गवाही के साथ। खुदा का कलाम इधर भी ऐसा ही है। ये तो वही खुदा का कलाम है। हाँ, वो लम्हा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, पास्टर क्रिस को देखने के लिए लाइव पहली बार, ये हैरत अंगेज तजर्बा है।
वो बीमारों के लिए इतने हमदर्द थे, वो उनके साथ बिल्कुल बर्रे की तरह नरम दिल थे, लेकिन जब वो लड़ते शैतान से, बदरूहों से, तो वो शेर थे। अब वो बर्रा भी थे और शेर भी एक ही वक्त में। मुझे याद है वो बूढ़ा शख्स जो बेड पे आया था, वो उठा और उछलने कूदने लगा। जब आप सुनते हैं आजाद हैं, शफा पा चुके, ये आपको वो करने की कुव्वत बख्श देता है जो आप खुद से नहीं कर सकते। हालेलुया। आप रोमानिया ग्रुप के साथ आई हैं और आपके रहनुमा हैं पास्टर रिजवान और पास्टर लीडिया मिलेसू, जो कमाल के लोग हैं, और कल रात की मीटिंग में उनका किरदार शानदार था। कुछ ऐसा, ओह माय गॉड, ये भी यहाँ हैं। उसी स्टेज पर हैं जहाँ पर पास्टर क्रिस हैं, और मेरा ये पहला मौका था, ये हैरान कुन था। आप क्या क्या कहना है दूसरे मुल्कों के खादमों की खिदमात के बारे में, जिसने आपके दिल को वाकई ही छुआ है? मुझे वो रक्स बहुत पसंद आया जो साउथ कोरिया वालों ने किया, साउथ कोरिया ने, बहुत ही इंस्पायरिंग। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में इस तरह से कुछ नहीं होता है। ये इतना छू देने वाला था कि मसा ही उनके ऊपर था। ये तो कोई सूफियाना रक्स था, बहुत बहुत ही हैरान कुन। इसने हमें बहुत ही मुतासर किया है, रोमानिया को हैरान कुन, हैरान कुन। मैं मुतासर हूँ। अब पास्टर क्रिस स्टेज पर आते हैं और तालीम देना शुरू करते हैं। इस तालीमी मीटिंग के बारे में आपकी क्या राय है? ये हैरत अंगेज थी, नहायत हैरत अंगेज, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज और बहुत ही खूबसूरत कलाम। ये हम सब के लिए हैरत अंगेज थी। हम सब ने कहा वाओ, हैरान कुन, वाओ, ये हैरत अंगेज थी, ये सच्ची मनादी, सच्ची अंजील है। मेरा माइंडसेट का मसला है, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, यहाँ माइंडसेट का मसला है। मैंने खुदा से कहा कि मैं अफ्रीका जा रहा हूँ ताकि मेरा माइंडसेट बदल जाए। और पास्टर क्रिस सिखा रहे थे कि हमें पहाड़ की चोटी पर रहना है। वो वहाँ सिखा रहे थे कि हमें पहाड़ की चोटी पर चढ़ना नहीं है, ना ही उसके इर्द गिर्द घूमना है, हमें तो उसके टॉप पर रहना है। और जब आप पहाड़ की चोटी पर होते हैं तो दुनिया मुख्तलिफ तरह से देखते हैं, और इसी ने तब्दील कर दिया मेरे जहन को। अब मेरी जुबान बदल रही है। ये हैरान कुन है कि खुदा का कलाम आपके जहन को ही बदल देता है। ये बदल देता है आपकी जुबान को और आपकी जिंदगी को। जब हम खुदा का कलाम सुनाते हैं तो ये जिंदगियों पर असर करता और बदल देता है। अब घर जाने पर आपके ख्वाब क्या हैं? वाओ, मेरे बहुत से ख्वाब हैं। अब मैंने अपनी कॉपी में कुछ काम लिख लिए हैं जो मैं वहाँ रोमानिया जाकर अब करूँगा। मैं एक यूथ लीडर हूँ और अब मैं काम करना चाहता हूँ नौजवानों के साथ। मैं अब उनको सिखाना चाहता हूँ, मैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ अपने चर्च में जाके सिखाना चाहता हूँ। मेरा एक ये ऑब्जेक्टिव है, मैं उनको सिखाना चाहता हूँ माइंडसेट के बारे में भी, और मैं आज यहाँ से मसा भी पाना चाहता हूँ। मसा पाना, मैं इस पर ईमान रखता हूँ। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में। आपके दिल में क्या है जब आप घर वापस जाएंगी? मैंने कई काम शुरू किए हैं जो अभी तक नामुकम्मल हैं, और यहाँ से जाने के बाद मैं उन पर काम करूँगी। मैं उनको किसी और दर्जे पर ले जाना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि इसका एक इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी पर और मेरे इर्द गिर्द दूसरे लोगों पर है, क्योंकि जिस तरह मैंने चीज़ें यहाँ देखी, जुबानों में दुआ करना और पहाड़ की चोटी से देखना,
और जिस तरह दूसरे रिस्पॉन्स करते हैं, ये रूहानी लगता है। हालेलुया। खैर, मेरा आपके लिए पैगाम है। जानकारी और तजर्बा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे पास जानकारी है, लेकिन जब तजर्बा करते हैं तो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। फिर ये वाकई ही रूहुल कुदस का तजर्बा है। मैं आपको यहाँ आने की दावत देता हूँ कि रूहुल कुदस की कुदरत पाएं और तालीम पाएं पास्टर क्रिस से। गॉड ब्लेस यू पास्टर क्रिस। हमें मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आना मेरे लिए एजाज की बात है। एजाज की बात मेरे लिए आपको देखना, आपको सुनना और जानना खुदा के मुतालिक, उसके बारे में और इलम लेकर जाना अपने मुल्क में, अपनी कौम में, अपने लोगों में, दोस्तों में, ये एजाज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने तजर्बे से मुतहरिक करने से और अपने दिल खोलने से, और मुझे यकीन है कि हम आपसे हैरत अंगेज गवाहियाँ सुनेंगे। वाओ वाओ वाओ, क्या यीशु हैरत अंगेज नहीं है? उसने इनकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक अता किया है। वो अपने ख्वाबों से यहाँ आए थे और उनके ख्वाब कसरत के साथ पूरे हुए हैं रूहुल कुदस की कुदरत से। वो भर गए हैं खुदा की आग से। अगर आप भी एक खादम हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप भी ये तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, आएँ और मिलें हमसे हीलिंग स्कूल में। ये आसान है, आपकी सिर्फ ये करना है कि हमारी वेबसाइट www.enterthehealingschool.org विजिट करें या नंबर पर कॉल करें। अगले समय तक दमकते रहें एंड गॉड ब्लेस यू। हमें यकीन है कि आपने इससे बरकत पाई है। अगर आप अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हैं, तो हम आपको दावत देते हैं कि यीशु को अपना मालिक माने और हमारे साथ अपने दिल में ये दुआ करें। प्यारे खुदावंद, मैं अपने दिल से यीशु पर ईमान लाता हूँ, जिंदा खुदा के बेटे पर। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिवाया, वो आज भी जिंदा है। मैं अपने मुंह से ये इकरार करता हूँ, यीशु मसीह आज से ही मेरी जिंदगी का खुदावंद है। मैं उसके नाम से ईमान लाता हूँ। मैं अपने दिल में गुनाहों से माफ़ी पाता हूँ। मैं दिल से अबदी ज़िंदगी पाता हूँ। मेरी रूह को बचाने का तेरा शुक्रिया, मुझे नई ज़िंदगी देने का शुक्रिया। अब मैं नए सिरे से पैदा हूँ, अब मैं खुदा का फ़र्ज़ंद हूँ। शुक्रिया खुदावंद, आमीन। अगर आपने ये दुआ की है तो मुबारक हो, अब आप खुदा के फर्जंद हैं। मजीद मालूमात के लिए feedback@enterthehealingschool.org पर ईमेल लिखें। मसीही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पास्टर क्रिस की लिखी हुई बॉर्न अगेन फ्री कॉपी आज ही हासिल करें। मजीद जानकारी और सवालों के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें या फिर हमारे नंबरों पर कॉल करें। खुदा आपको बरकत दें।